हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल डिजिटल करेंसी टेक्निकल में। और फ्रेंड्स, आखिर अब भारत में बिटकॉइन का क्या होगा और अब क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर मैं कर दूंगा। लेकिन उससे पहले याद दिला दें, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लाते हम डेली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चन के आपको मैं आंसर देता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि बिटकॉइन के लिए इंडिया में फुल ड्रामा चल रहा है। जैसे सुभाष चंद्र गर्ग जी ने कहा कि हम ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, कमेटी तैयार कर चुके हैं, उस पर डिस्कशन होगा और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पर पूरी तरीके से इस पर डिस्कशन होगा बिटकॉइन के ऊपर। और 15 जुलाई को लगभग यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन जो भी उन्होंने कहा है वो निकल करके आया। उसके बाद में आरबीआई ने 5 अप्रैल से लेकर के 5 जुलाई तक यहाँ पे सर्विस देने की प्रॉमिस किया था, तो वो चीज़ हुआ। उसके बाद में 3 अप्रैल को जो मोबाइल एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, उसका भी आपने रिजल्ट सुना, उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब जेप्पे यूज़र्स अब क्या करेंगे, विड्रॉल नहीं ले पाएंगे, ना तो डिपॉजिट कर पाएंगे और ना ही विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये कुछ ड्रामे चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन की 7 साल की सज़ा होगी या 20% का टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, इस तरीके की बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपने देखे। तो न्यूज़पेपर वाले अपना फुल काम कर रहे हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो न्यूज़ और अफवाह में बिल्कुल ही मत आप लोग आएँ। और अगर हम बात करें अब कि अगर अब सर्विस नहीं देगी आरबीआई, अगर पूरी कोई भी बैंकें अगर सर्विस नहीं देती हैं एक्सचेंजों को, तो क्या होगा, क्या बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा, क्या बिटकॉइन इलीगल हो जाएगा, या बिटकॉइन ख़त्म हो गया, या ट्रेडिंग हम नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक पे हम पूरी बात करते हैं। पहले बात करते हैं अगर आरबीआई ने सर्विस नहीं दिया तब क्या होगा। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार सोचिए कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूज़र थे अभी तक, क्या सभी लोग एक्सचेंज से ही बाई सेल करते थे? सिर्फ एक्सचेंज यहाँ पे विड्रॉल नहीं देंगे INR में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिटकॉइन इलीगल हो गया या बिटकॉइन ज़ीरो हो गया। और फ्रेंड्स, बिटकॉइन केवल इंडिया में ही नहीं चलता है, बिटकॉइन इंडिया में अगर चलता तो ये ज़ीरो कैसे होगा? आप लोग सोचिए, बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी है, एज ए ग्लोबल मार्केट वर्क करती है, तो ये ज़ीरो होने का तो नाम ही नहीं है। अगर हम इलीगल की बात करें तो आरबीआई ने अभी सर्विस ना देने की बात किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इलीगल है। और अगर अभी तक किसी ने कहा है तो सुभाष चंद्र गर्ग की बात करें या अरुण जेटली जी की बात करें, अरुण जेटली जी ने कहा है कि अभी तक सिर्फ ये बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, और लीगल टेंडर मतलब कि ये इलीगल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बिटकॉइन एंड की बात करें तो बिटकॉइन ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एज ए ग्लोबल काम करता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग स्टॉप। हम लोग बिल्कुल अभी ट्रेडिंग कर सकते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मार्केट में लेन देन कर सकते हैं, यूज़र बायर सेलर सब कुछ कर सकते हैं, जैसे मार्केट में एज इट इज करते थे। और एक नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो 20 से 25% मैक्सिमम ऐसे लोग रहे होंगे जो लोग क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस का यूज़ करते रहे होंगे बाइंग सेलिंग में, विड्रॉल और डिपॉजिट में, जैसे जेप्पे हो या यूनो कॉइन हो, इस तरीके के एक्सचेंजों पे ज़्यादा लोग बाइंग सेलिंग नहीं करते थे फ्रेंड, सिर्फ 10-20% लोग ही करते थे। और बाकी मार्केट में जैसे हमने आपको पैसे दिए, आपने हमें बिटकॉइन दिए, या आपने हमें बिटकॉइन दिया हमने आपको पैसे दिए, इस तरीके से वर्क होता है मार्केट में, आपको पता है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम बाइंग सेलिंग मार्केट में करेंगे पूरी तरीके से। और अगर मार्केट में हम बाइंग सेलिंग कैश डीलिंग करते हैं बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी में, तो इसमें नुकसान सबसे बड़ा जो होने वाला है फ्रेंड्स वो इंडियन गवर्नमेंट को ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और उनको पता भी है कि यूज़र्स क्या करेंगे, मार्केट में बाइंग सेलिंग करेंगे, और बाइंग सेलिंग ऑलरेडी हो रही है। दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें, हर एक सिटी में बिटकॉइन की बाइंग सेलिंग ज़बरदस्त हो रही है। और इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है बीच में, क्योंकि यूजर्स का अपना पैसा है, वो लोग खरीदते हैं और सेल करते हैं। अभी तक क्या था फ्रेंड्स कि इंडियन एक्सचेंज यूज करते थे बिटकॉइन को, तो उसमें 18% 20% जो भी जीएसटी देते थे, टैक्सेस देते थे, तो इंडियन गवर्नमेंट की इकोनॉमी कुछ में हेल्प होती थी, भारत को भी कुछ डोनेशन मिलता था, इस तरीके से हम कहते थे। लेकिन अब एक्सचेंज नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या कि जो 10-15% फ्री का गवर्नमेंट को जाता था वो भी बंद हो जाएगा, और लोग इसमें फुल अपना ब्लैक मनी का भी यूज करेंगे, और गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। तो मुझे जो लगता है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आरबीआई ने मना ज़रूर किया है, लेकिन अभी 20 जुलाई जो हियरिंग है और सुभाष चंद्र जी का, जो गर्ग जी का यहाँ पे स्टेटमेंट आना बाकी है कि रूल रेगुलेशन पूरी तरीके से आ चुका है, तो वो कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में आ सकता है, इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सभी को पता है, जितने भी गवर्नमेंट में काम करते हैं, आरबीआई बैंक्स में काम करते हैं, सभी को पता है कि बिटकॉइन को बंद नहीं किया जा सकता है सिर्फ इसके ऊपर। अगर बंद भी करते हैं तो लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, अगर बिटकॉइन पूरी तरीके से यहाँ पे इलीगल कर दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपना यहाँ पे
बिटकॉइन को बाई करेंगे, सेल करेंगे, उसके बाद में थाईलैंड है, दुबई है, हर जगह सिंगापुर हो या मलेशिया हो, हर जगह बिटकॉइन लीगल है और हर जगह क्या हो रहा है, एटीएम्स लगे हुए हैं, लोग जाएंगे कैश डीलिंग कर लेंगे, वहाँ पे निकाल लेंगे, सब कुछ करेंगे। इंडिया में जितने भी टैलेंट है आप देख रहे हैं क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का रूल रेगुलेशन सही नहीं है, यहाँ पर रूल रेगुलेशन हमेशा गलत रहते हैं और हमेशा बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसलिए लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती, बहुत सारे लोग इसीलिए इंडिया छोड़ करके जाते हैं। तो हो सकता है क्रिप्टो करेंसी अगर बैन होती है बाय द वे, मुझे नहीं लगता 99% मुझे लगता है कि बिटकॉइन रूल रेगुलेशन 100% लगेगा, लेकिन अगर बाय द वे होता है तो जिनको इंटरेस्ट है बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में, जिनको फ़ायदा लगता है, वो लोग हमारे हिसाब से काम करेंगे और फॉरेन कंट्री में जा करके वहाँ पर विड्रॉल और सब कुछ कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि इलीगल या बिटकॉइन जीरो की कोई बात ही नहीं आई है, सिर्फ आरबीआई ने एक्सचेंजों को मना किया है, तो यहाँ घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग कैश डीलिंग करेंगे, मार्केट में बाइंग सेलिंग करेंगे, जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा, और अभी हम वेट करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी का जो भी स्टेटमेंट आना है वो, और 20 जुलाई को जो भी मेन हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो, अगर उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद में भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्विस न देने का मतलब हम डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, उसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी पहले बिटकॉइन को इलीगल तो बोलें, जो भी कहते हैं वो पहले क्लियर बात आए अभी तक, क्योंकि बिटकॉइन को इलीगल किसी ने नहीं कहा है, ना इंडियन गवर्नमेंट ने, ना आरबीआई कह ही नहीं सकती, क्योंकि आरबीआई के हाथ में नहीं है, तो आरबीआई के हाथ में सिर्फ एक्सचेंज को सर्विस देना ना देना था, तो उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया। अब अभी हमारे पास सुभाष चंद्र जी का, जो आपको पता है कि बहुत बड़े यहाँ पे इंडिया के लिए रोल अदा करते हैं, तो वो अभी उनका कमिटमेंट पूरा बाकी है, और वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है 20 जुलाई को, वो भी क्या आएगा, उस टॉपिक पे हम पूरी बात करेंगे अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे दूसरी अपडेट के साथ में, वीडियो अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों को पता चले रियलिटी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।